आसुची बात्या यश 26 रेहा ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल में माड़ बोली अनुमान तेज संभाव्य बात्या को दृष्टि रखी शनिवार समीक्षा बैठक डाक मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। मुख्यमंत्री शनिवार संभाव्य बात्या यश को नहीं समीक्षा करेंगे। यह बात्या मुकाबला नहीं आलोचना करेंगे। यह बैठक में 14 जिलार जिलापाल उपस्थित रहे। से मुख्य शासन सचिवों एसआरसी और अन्य अधिकारी माने समीक्षा बैठक में उपस्थित रही सूचना मिली। 24 नंबर जातीय राजपथर जयपुर कोरापुट घाटी पुणी घटी एक मर्मंतुद दुर्घटना। ए चार जन आहत होती। एक माल बोझे ट्रक एक सीमेंट बोझे ट्रक को पछपटू धक्का देती। धक्का खाइबा पर सीमेंट बोझे ट्रकटी रास्ता उपर उलट पड़ता। से धक्का देथिबा ट्रकटी अल्पके घाटी तल को खसिबारु बर्तिला। तेज यार प्रमुख भाग संपूर्ण भाव घाटी तल को चली जाइए। संभाव्य बात्या यश ट्रेन बातिल कला ईस्ट कोस्ट रेलवे। भुवनेश्वर पुरी ठार ट्रेन बातिल। यह बातिल समय मोट 74 ट्रेन बंद कराने निष्पत्ति निगुड़ी। भुवनेश्वर मुम्बई कोणारक एक्सप्रेस, भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी स्पेशल, पूरी नुआ दिल्ली पुरुषोत्तम स्पेशल, भुवनेश्वर नुआ दिल्ली राजधानी स्पेशल, हावड़ा पूरी स्पेशल, भुवनेश्वर सिकंदराबाद विशाखा स्पेशल, पूरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल स्पेशल, अहमदाबाद सूरत आजमेर को पुरी को जाऊँ ट्रेन को बातिल कर। आसंता 3 रू 4 दिन पर्यंत राज्य में पाग ठंडा रहा। संभाव्य बात्या जो होगा प्रबल वर्षा संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना दी। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार बाजी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा आशंका रही। से उक्त 11 जिला केन्द्र पक्ष येलो वार्निंग जारी। आसंता 23 तारीख में पाग शुक्ला रही पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर। 24 तारीख में राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा सह 25 में संभाव्य बात्या जो राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। खोर्धा उपखंड विभिन्न स्थान में बेआईन पत्थर खादान चलुची। अधिकांश पाखे लिज लाइसेंस ना। ये चोरा पत्थर कारबार को रोकने को विभिन्न स्थानीय रेड होता बेले माफिया खसी पलाउं। स्थल छद्मवेशी चाई बालुका एसडीपीओ मानस रंजन बारिक पत्थर ट्रक को जबत कर। बलांगीर वन कर्मचारी को गुड़माड़ सहीतला रेंज करमतला फरेस्ट सर्कल रेंगा भाई चारिचक जंगल घटी अभावन घटना। मृतक जनक होती जोगेश्वर बुडेक। जोगेश्वर को छाती गोली बाजी मृत्यु होता जमापड़ी। नेपाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संसद भंग कर मध्यवर्तीकालीन निर्वाचन घोषणा करते। नेपाल में 12 और 19 नवेम्बर हो मध्यवर्तीकालीन निर्वाचन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी उभय नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार गठन दावी को प्रत्याख्यान करते। नेपाल कार्यालय तरफ यह सूचना दी।